शिरीन, बिल्कुल युद्ध शुरू हो गया लेकिन ये खत्म कहां जाकर होगा और इसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो इस संकट के बाद उभर कर सामने आ रहे हैं, बीपी न्यूज वो सवाल उठा रहा है। सबसे पहले जल्दी से उन सवालों को हम देख लेते हैं। देखिए पहला बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या अमेरिका ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है? यूक्रेन इस वक्त जो मुश्किल हालात में है, क्या अकेला छोड़ दिया अमेरिका ने? दूसरा सवाल ये कि क्या विश्व युद्ध का खतरा वो टल गया है जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं? लगातार इसको लेकर सवाल ये भी है कि आखिर पुतिन का प्लान क्या है, जो रणनीति पुतिन लेकर चले हैं अब आगे अगला कदम पुतिन का क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल क्योंकि इस संकट को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि अब अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी। और चलिए एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, वॉर जोन, जहां से प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्योंकि अब सवाल यही है, सवाल प्रणय यही उठ रहा है कि अब आखिर अगली रणनीति क्या हो सकती है पुतिन की? अभी तो चारों तरफ से यूक्रेन की घेराबंदी घुसने की कोशिश हो रही है और घुस भी रहे हैं, लेकिन आगे क्या? देखिए आगे क्या है, अगर यूक्रेन की सेना कीव को बचाने में नाकामयाब होती है, रूस की सेनाएं कीव में दाखिल हो जाती हैं, तो फिर तो विक्टर्स वे होता है, यानी जीतने वाला तय करता है कि वो किन शर्तों के ऊपर अब नई व्यवस्था को बदलना चाहता है, क्या रखना चाहता है, अगर रूस इस तरीके से अपना डोमिनेंस यहां पे बना देता है। लेकिन जैसे जनरल सोही कह रहे थे कि सिटी सिचुएशन के अंदर, शहर के अंदर कॉम्बैट के नियम बिल्कुल अलग तरीके के हो जाते हैं और लड़ाई बहुत जटिल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार का मौका होगा कि यूरोप के दरवाजे पर इस तरीके की लड़ाई होगी और रशियन फोर्सेज और यूक्रेनियन फोर्सेज के बीच में अगर इस तरीके से एरियाज की लड़ाई होती है कि वो एक एक एरिया के गढ़ बन जाते हैं तो बहुत मुश्किल होगा। और मैं एक अपडेट आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले जब हम अपने होटल से निकले तो हमने देखा कि अधिकतर जो विदेशी मीडिया है वो भी यहां से जा रहा है, और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये बहुत लिमिटेड विंडो अवेलेबल है, हमें कहा गया है कि जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाएं क्योंकि रशियन फोर्सेज के आने में कम वक्त बचा है और ऐसे में हमारे पास भी ये विंडो कम है कि हम यहां से सुरक्षित बाहर निकल सके। तो निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय जो लोग हैं, जो विदेशी नागरिक हैं, उनके बीच में भी इस चीज को लेकर डर है। जहां तक भारतीय स्टूडेंट्स का सवाल है, क्योंकि भारत में उनको लेकर बहुत चिंताएं हैं, मैं एक अपडेट आपसे शेयर करूं कि उनके लिए फुल फ्लेज्ड इवैक्यूएशन ऑपरेशन प्लान किया गया है, और फिलहाल जो स्टूडेंट्स कीव में हैं या जो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में हैं उनको सुरक्षित किस तरीके से कीव लाया जा सकता है, या जो बॉर्डर के इलाके हैं खासतौर पर वेस्ट की तरफ, सभी से कहा गया है कि अपने अपने साधनों से जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करें ताकि उन्हें सुरक्षित जो है दूसरे देशों के रास्ते, चाहे हंगरी हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, चाहे पोलैंड हो, वहां से रास्ते उनको बाहर निकाला जा सके। और एक फुल फ्लेज्ड एयर इवैक्यूएशन ऑपरेशन होगा जो कि इन यूरोपियन देशों से संचालित किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्री ने जो इन तमाम यूरोपियन मुल्क हैं उनके विदेश मंत्रियों से बात की है, और प्रधानमंत्री मोदी की भी जब राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई तो उसमें यह मुद्दा प्रमुखता से उठा था कि भारतीय छात्र जो हैं वो जहां पर भी हैं उनको सुरक्षित रहने दिया जाए, उन्हें निकलने का रास्ता दिया जाए। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें इस चीज का मेंशन किया गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले को उठाया तो रूसी राष्ट्रपति ने उन्हें इस बात का भरोसा दिया है कि इस बारे में जो जरूरी निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। यानी रूस की तरफ से भी एक तरीके से आश्वासन दिया गया है कि भारतीय छात्र या भारतीय नागरिक अगर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनके बारे में निर्देश दिए जाएंगे कि वो ताकि वो सुरक्षित निकल सके। तो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट्स वॉर जोन से प्रणय हमको दे रहे हैं। प्रणय, आपसे अपील है कि चूंकि आप वॉर जोन में मौजूद है, लगातार वहां से रिपोर्टिंग करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।